जाके वो बेशक टोकरियां उठाएं, कुछ करें, वो कर लेते हैं। इंडिया ने अपने टेक्निकल लोग भेजे हुए हैं, उनका उनकी पॉलिसी मेकिंग पे इन्फ्लुएंस है, उनकी गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस है। आप देख लीजिए, जहां भी जिस मुल्क में हमने टोकरी उठाने वाले ज्यादा भेजे हैं तो अच्छी बात है, जाते हैं जाके टोकरी के भी कुछ ना कुछ पैसे आ ही जाते हैं। Hey, what's up guys? कैसे हो आप लोग? हम फिर वापस आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। अगर आप वीडियो का मेन हिस्सा देखना चाहते हैं तो वीडियो को सीधा एक मिनट स्किप करके आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया ने एक अजीब तरीके की बात की। हालांकि इसमें भी उन्होंने इंडियंस के साथ कंपैरिजन किया है, जैसे कि अमजद शोएब, आप जानते हैं अमजद शोएब को, इंडियंस और भारत को लेकर हमेशा ये प्रोपेगेंडा चलाता है और इस बार इसने अजीब सी बात की है। हालांकि इंडियंस की तारीफ की है, लेकिन ये बहुत गलत बात है, गलत बात है। आप आगे देखेंगे क्यों गलत बात है, मैं इस पर भी बात करूंगा वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर वीडियो के बारे में करते हैं बात। आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने। हुकूमत ने भी पाकिस्तानियों का बैरून मुल्क रोजगार के सिलसिले में जाने के लिए ये जो सफर है वो जारी है। गुज़िश्ता अगर 2.5 सालों के हवाले से हम आदाद व शुमार का जिक्र करें तो अब तक 10 लाख ऐसे अफराद हैं जो कि बैरून मुल्क मुलाजमत के हुसूल के लिए पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। याद होंगे आपको खान साहब के वो वादे और वो दावे के नौकरियाँ इतनी होंगी, वसाइल इतने होंगे, मुल्क ऐसे तरक्की करेगा कि दूसरे ममालिक से जो लोग हैं वो पाकिस्तान में आकर रोजगार कर सकेंगे। लेकिन क्या हुआ, इस पर तजियाकारों से बात कर लेते हैं। कामरान, जरा ये बताइएगा, 10 लाख लोग जा चुके हैं गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान, पीटीआई गवर्नमेंट आने वाले 2.5 सालों में ये सिलसिला रोक सकती है? मेरे ख्याल में इसको देखने के दो तरीके हैं। ये जरूरी नहीं है कि मुल्क से बाहर जब लोग जाते हैं तो ये गलत बात भी है। अगर आप याद हो तो हालिया अभी 18 नवंबर से UAE ने वर्क वीजा पर बैन लगा रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी नुकसान हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के, किस तरह के लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अगर तो ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि आपकी जो हाईटेक, आपके जो लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो वो कंसर्न वाली बात है। और इस वजह से जा रहे हैं कि मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, तो ये तो कंसर्न वाली बात है। दूसरी, हमारी एक बहुत बड़ी वर्क फोर्स, आपको पता है कि लोग बाहर जाते हैं, बेशक मुल्क के अंदर हालात जैसे भी हों, बहुत अरसे से ये सिलसिला जारी है और उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो ये देखने वाली बात है, अगर वहाँ पर ये लोग हमारे बाहर जाते हैं और बाहर जाकर वो अच्छा काम करते हैं या इवन लेबर फोर्स भी है, तो आप ये मत भूलें कि वो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दैट सेंस के जो फॉरेन रेमिटेंस वो वापस भेजते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान को डॉलर्स की बड़ी ज़रूरत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको नेगेटिव तरीके से देखना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर रहकर भी पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, अगर वो मायूस होकर के जा रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं और पाकिस्तान से हमें अब चले जाना चाहिए, और ये रुझान मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट से पहले भी लोगों का रहा है कि कनाडा चले जाएं, अमेरिका में ग्रीन कार्ड ले लें, यूरोप में चले जाएं, लेकिन अगर लोग रोजगार के लिए हमें मजीद लोग भी वहां से जाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसका पॉजिटिव ही कंट्रीब्यूशन होगा पाकिस्तान की मईशत के लिए। तो आई लुक एट इट एज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, नॉट एज अ नेगेटिव। मेरे पास वक्त मुख्तसर है कामरान सेगमेंट के लिए आपका, लेकिन पॉइंट आ गया। मुजम्मिल साहब, आपकी तरफ आऊंगे, क्योंकि ये 10 लाख लोगों का जो फिगर है इसमें हुनरमंद अफराद भी शामिल है और आला तालीम याफ्ता भी शामिल है। अब बताइए आपका जवाब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये पिछला एक साल तो कोविड का साल था और हुनरमंद लोगों का तो बाहर जाने का कोई इतने मौके मौजूद नहीं थे, क्योंकि जहां दौलत है वहां लॉकडाउन था और हमारे पास दौलत नहीं है और हमारे पास लॉकडाउन भी नहीं था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि पिछले एक साल में तो कोई हुनरमंद लोगों का या जो हम लेबर या जो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करते हैं उसकी शरह तो उस तरह नहीं रही, लेकिन डॉक्टर्स बाहर गए हैं, इंजीनियर्स बाहर गए हैं और प्रोफेशनल्स बाहर गए हैं, वो जरूर गए हैं और एक ब्रेन ड्रेन जरूर हुआ है इस गवर्नमेंट में। इन्फ्लेशन की वजह से जो यहाँ ग्रोथ रेट रुका है, जो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने डाउनसाइजिंग की है, मल्टीनेशनल्स ने डाउनसाइजिंग की है पाकिस्तान में, जिन्होंने कभी 70 साल में डाउनसाइजिंग नहीं की है, तो वो जो टॉप प्रोफेशनल्स थे वो बाहर गए हैं, ब्रेन ड्रेन हुआ है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज जो पढ़े लिखे लोगों के लिए, यहाँ डॉक्टर्स को नौकरियां नहीं मिल रही, इंजीनियर्स को नहीं मिल रही, इसलिए मैं समझता हूं कि ये इस फिगर को उस तरह ना देखें कि एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट तो कहीं हुई नहीं, ये तो हमारा ब्रेन ड्रेन हुआ था इन 2 सालों में। इस लोग कहते थे कि बाहर से आएंगे वो प्रोफेशनल्स यहाँ काम करने के लिए, हमने अपने भेज दिए। ठीक है, ठीक है, मुजर साहब पॉइंट आपका आ गया, वक्त मेरे पास मुख्तसर है, जुनैरा आपकी तरफ आऊंगी क्विकली प्लीज।
के इस पे एक तो मज़ीद थोड़ी सी डिटेल हो तो ज़्यादा अच्छी बातचीत हो सकती है। ये जो बाहर जाने का मामला है, एक तो इट्स पर्सनल चॉइस, इट्स एंटायरली अ पर्सनल चॉइस। बहुत सारी रीजंस होती हैं व्हाई समबडी चूज टू लीव द कंट्री, लेकिन जहाँ तक इसमें ताल्लुक है कि कोई बाहर उन्हें जॉब्स मिल गई होंगी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इवन पैंडमिक से एक साल पहले भी सारे यूरोप में, US में जॉब्स का बहुत इशू था, इमिग्रेंट्स का मेजर पॉलिसी कंसर्न था लोगों का कि यहाँ मजीद लोग ना आए हमारे मुल्कों में। ब्रेग्जिट आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है। तो इसको डेटा को मेरे ख्याल है थोड़ी सी और डिटेल में देखने की जरूरत है कि ये कहने की कोशिश क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है, NBC को क्लिप प्लीज। देखिए वहां से लोग निकाले जा रहे हैं, UAE से, सऊदी अरब से, जहां से आप नाम ले लें निकाले जाए। कोविड ने तबाही फैला दी है। ये 10 लाख लोग कौन है? अगर बाहर गए तो बहुत अच्छी बात है, हमें फॉरेन एक्सचेंज हासिल होगा, लेकिन कौन है, कैसे गए, किस तरह गए, किसने नौकरी दी, बहुत से सवाल पैदा होते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत ने जो 55 से 70 लाख लोग बेरोजगार किए हैं अपने दौर में, उसका असर तो आएगा, लोग भागेंगे और लोग भागना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को नौकरी मिल रही है, हमें तो हमने इतराज किया है। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड है कि जो भी बच्चा नकारा होता है उसको कहते हैं बाहर भिजवा दो, और वो आपने देखा कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह है उसमें भी इन लोगों को भेजते हैं, तो बाहर जाके वो बेशक टोकरियां उठाएं, कुछ करें, वो कर लेते हैं। इंडिया ने अपने टेक्निकल लोग भेजे हुए हैं, उनका उनकी पॉलिसी मेकिंग पे इन्फ्लुएंस है, उनकी गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस है। आप देख लीजिए जहां भी, जिस मुल्क में हमने टोकरी उठाने वाले ज्यादा भेजे हैं, तो अच्छी बात है, जाते हैं जाके टोकरी के भी कुछ ना कुछ पैसे आ ही जाते हैं पाकिस्तान। चले, इट्स अ लॉन्ग डिबेट एज यू सेड अर्लियर। और दूसरा ये कि अगर हमारे यहाँ से पाकिस्तानी जा भी रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान में आने की तवक्को की जा सकती है, लेकिन देखना ये है कि इसमें आला तालीम। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, अब ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप ये वीडियो यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने बेसिकली इमरान खान के जो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले जो उन्होंने कुछ वादे किए थे, उन्होंने ये वादा किया था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो जितने भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के बाहर काम करते हैं उन्हें अपनी जॉब वहाँ से छोड़कर पाकिस्तान में आकर करनी पड़ेगी, इतना डेवलपमेंट करूँगा मैं। आप समझ सकते हैं ऐसी बातें करना, हालांकि ये आप समझ सकते हैं ऐसी बातें करते ही हैं लोग, नेता करते ही हैं लोग, ये होता है ये पॉलिटिक्स में आने से पहले ये होता है। ये इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान कहीं पर भी हो जहाँ पर डेमोक्रेसी है, इस तरीके की बात होती है। हालांकि मैं पाकिस्तान को एज अ डेमोक्रेसी कंसिडर नहीं करता हूँ, लेकिन इलेक्शन जीतने के लिए इमरान खान ने ऐसी बातें कही। और पाकिस्तान के भी लोग बड़े फनी हैं। अमेरिका में एक डॉक्टर था, मतलब डॉक्टर नहीं था, वो फेक डॉक्टर था, जिसने डॉक्टर का लुक लिया, बेहतरीन मास्क वास्क लगाया, टोपी ओपी लगाई, शायद उस टाइम पर मास्क यहाँ पर लगाया था, गले में लगाया था, और उसने बोला कि मैं अमेरिका से ही अपनी डॉक्टर का जो क्लिनिक है, जो भी मतलब हॉस्पिटल में काम करता हूँ, वो छोड़कर आ रहा हूँ, पाकिस्तान में काम करूँगा, पाकिस्तान के लोगों को सर्व करूँगा, मैं इमरान खान को बहुत बड़ा लीडर मानता हूँ, इमरान खान के विज़न को सपोर्ट करता हूँ, और ऐसा कुछ इलेक्शन के पहले किया। वो वीडियो इतना वायरल हुआ, लोगों ने शेयर किया इमरान खान का विज़न ये वो। इमरान खान, आपको पता है इमरान खान थोड़े से ही वोटों से जीते, और वो भी ऐसा बोला जाता है कि सिलेक्टेड PM है ये, मतलब आर्मी की वजह से जीते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, इमरान खान को लगभग 2.5 साल हो चुके हैं, और इमरान खान ने खुद ही बोल दिया है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं 2.5 साल में करना क्या है, 2.5 साल में तो मैं अभी समझ ही नहीं पाया हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती क्या है और PM को करना क्या क्या रहता है। तो आप समझ सकते हैं ये इन्होंने ऐसा सरप्राइज़ दिया है पाकिस्तान की जनता को।